हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। यह एक ऐसा वीडियो है, चाहे आप दूसरे के बच्चों को पढ़ा रहे हों या अपने बच्चे को पढ़ा रहे हों, शिक्षा तो शिक्षा होती है, लेकिन शिक्षा का जो उद्देश्य है, हमारे शिक्षण का जो उद्देश्य है, बच्चों को जो है अपनी असल ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं को फेस करने के लिए तैयार करना है। तो जो हमारी स्कूली शिक्षा है, अगर हम उसका आकलन करें तो पाते हैं कि स्कूली शिक्षा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका बच्चे जो है अपने असल ज़िंदगी में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हमारी स्कूली शिक्षा जो है विषयों पर में बटी होती है, और विषयों में बटा हुआ ज्ञान जो बच्चा है उसको अपने असल ज़िंदगी में कितना प्रयोग कर पाता है, ये तो सोचने की बात है। अगर हम लोग ध्यान देंगे तो पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सिखाई गई थी, जो हमें कक्षा शिक्षण के दौरान बताई गई थी, लेकिन आज हमारी असल ज़िंदगी में उनका कोई प्रयोग नहीं है। बहुत सारे मैथ्स के फार्मूले, बहुत सारी मैथमेटिक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाई गई थी जिनका हम अपनी असल ज़िंदगी में कोई प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज हमारा जो वीडियो है वो आधारित है मित्रों परियोजना आधारित अधिगम, यानी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। मैं इस जो है अधिगम का जो वीडियो है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ, और इन प्रश्नों के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि परियोजना आधारित अधिगम क्या है, और हम अपने कक्षा शिक्षण में ऐसी क्या बातें शामिल करें जो बच्चे के ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं के लिए बच्चे को हम तैयार कर पाएँ, जिसे बच्चा अपनी असल ज़िंदगी में शामिल कर पाए। तो आइए हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। परियोजना आधारित अधिगम भाग एक, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग 1, बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। साथ में मैं आपको हल भी बताऊंगा, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और दूसरे मित्रों को शेयर भी करें। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए आपके सामने प्रस्तुत है परियोजना आधारित अधिगम और इससे जुड़े हुए प्रश्न। आप हमारे साथ साथ इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि परियोजना आधारित अधिगम क्या है। परियोजना आधारित अधिगम बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर एक आपके सामने है, जो स्कूली शिक्षा बच्चों को दी जा रही है क्या वह उनकी ज़िंदगी में कभी काम आएगी? मुझे लगता है कि आज की जो स्कूली शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, वो जो है उनकी असल ज़िंदगी में कभी काम नहीं आती है। असल ज़िंदगी में बच्चे क्या बन जाते हैं और जिस क्षेत्र में जाते हैं वही काम करने लगते हैं, तो हकीकत में है असल ज़िंदगी में काम नहीं आएगी, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बच्चे वाकई में जो स्कूल में पढ़ते हैं उसे अपनी असल ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं? तो पूरी तरह से मित्रों नहीं कहा जा सकता है कि जो बच्चे अपने स्कूल में पढ़ते हैं उसे अपनी असल ज़िंदगी में पूरा करते हैं, तो इसका भी आंसर होगा नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या स्कूल जिस तरह की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं वह उन्हें असल ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रही हैं? तो मुझे लगता है कि नहीं, इस प्रश्न का आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि स्कूली शिक्षा जो है वो बच्चों की असल ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर रही हैं, बल्कि बच्चों को जो है एक मशीन नुमा, एक जो है रोबोट की तरह उन्हें तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, असल ज़िंदगी में अगर आपको किसी नई जगह जाना हो तो आप नीचे दी गई सूची में से कौन कौन सी जानकारी का इस्तेमाल करेंगे? वह जगह कहाँ है, यात्रा करने में कितने पैसे लगेंगे, कौन सा यातायात का साधन यात्रा में मदद करेगा, उस जगह के वातावरण के अनुसार कपड़े चुनना, वहाँ रहने का इंतजाम करना, उपर्युक्त सभी। तो मुझे लगता है कि आप भी मेरी तरह यही सोच रहे होंगे कि इन सारे प्रश्नों का जो है जितने भी यहाँ चीज़ें दी गई हैं हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस प्रश्न का आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर उपयुक्त जानकारी को विषयों में बांटने के लिए कहा जाए तो क्या यह मुश्किल होगा? यानी ऊपर जो आप जानकारियां आपको दी गई हैं,
अगर उन्हें विषयों में बांटना हो तो निश्चित रूप से मुश्किल होगा, क्योंकि कौन सा विषय आएगा, भूगोल आएगा, सामाजिक विज्ञान आएगा, विज्ञान आएगा, गणित आएगा, यह कहना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कई जो है विषयों में पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसी जानकारियां हैं जो कई विषयों में आपको मिलेंगी, तो इनको विषयों में बांटना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर उपयुक्त जानकारी को विषयों में बांटने के लिए कहा जाए तो क्या यह मुश्किल होगा? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा हाँ। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है। टिंकू के पिता की परचून की दुकान है। एक दिन उसने अपने दुकान पर देखा कि उसकी दुकान में 1 किलोग्राम, आधा किलोग्राम, 250 ग्राम, 50 ग्राम आदि के बाट रखे हुए हैं। टिंकू ने एक दिन अपनी शिक्षिका से बताया कि उसके पिता की दुकान में जो मापन किया जाता है वह कक्षा में सिखाए गए मापन से बिल्कुल अलग है। आपको क्यों लगता है कि टिंकू के लिए उसकी पिता की दुकान पर इस्तेमाल होने वाला मापन का ज्ञान उसकी कक्षा में पढ़ाए गए मापन से अलग है? तो कक्षा में जो मापन पढ़ाया जा रहा है वो किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, और उसकी दुकान पर जो बाट रखे गए हैं वो मापन और इस मापन में अंतर है, इसीलिए टिंकू ने ये बात कही। तो अब आप देखिए इसमें से क्या सही होगा। कक्षा में सिखाया गया ज्ञान सीमित है, बच्चा कक्षा में सिखाए गए ज्ञान को अपनी असल ज़िंदगी से नहीं जोड़ पा रहा है, बच्चा कक्षा में ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। उपर्युक्त सभी या विकल्प 1 और 2 सही हैं। तो मेरे हिसाब से मित्रों, इसका विकल्प 1 और 2, यही दोनों विकल्प जो है आपके सही होंगे, यानी आपका राइट आंसर होगा ये विकल्प 1 और 2 सही हैं। यानी अब हम ऊपर ना टिक करके एक पर टिक करें तो यही है विकल्प 1 और 2 सही हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, आपको क्या लगता है कि हम बच्चों को असल ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों के लिए क्यों तैयार नहीं कर पाते हैं, इसका क्या कारण है? कक्षा में समझ का विषयों में बटा होना, ढेरों रटी हुई जानकारी जिसे ज़िंदगी से जोड़ा नहीं जाता, अधिकतर समय जानकारी को रटने और याद करने में बिताना, स्कूली शिक्षा सिर्फ परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने का माध्यम बनकर रह जाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। यही कारण है कि हम बच्चों को असल ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हम बच्चों को भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए तैयार कैसे करें, इसके लिए आपको किस तरह के कौशल सिखाने होंगे? समूह में काम कर पाना, रचनात्मक, कल्पनाशील और आलोचनात्मक सोच, समस्या हल कर पाना, बहुत सारी जानकारी याद रखने का कौशल, अन्य संस्कृतियों और विभिन्न तकनीकी जानकारी की समझ, उपर्युक्त सभी या विकल्प 4 को छोड़कर बाकी सभी सही हैं। तो इसका आंसर यही है विकल्प 4 को छोड़कर बाकी सभी सही हैं। विकल्प 4 है बहुत सारी जानकारी याद रखने का कौशल, ठीक है, तो इस कौशल को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना आधारित अधिगम के प्रथम भाग में आपने क्या जाना? यह कि हमारा वर्तमान शिक्षण शिक्षक केंद्रित है, यह कि यह बच्चों को असल ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए तैयार नहीं करता, कक्षा में आने वाली चुनौतियां अक्सर असल ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों से बिल्कुल अलग होती हैं, असल ज़िंदगी में शिक्षा विषयों में नहीं बटी होती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मित्रों, ढूँढिए। तो इस प्रश्न का सभी जितने भी जवाब यहाँ लिखे गए हैं ये चारों के चारों जो है सही हैं, ठीक है। परियोजना आधारित अधिगम के प्रथम भाग में ये सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने परियोजना आधारित अधिगम के बारे में सुना है? श्योर, यदि आपने पहला भाग जान लिया है तो हाँ सुना है हाँ। क्या परियोजना आधारित अधिगम हमारी मदद उन चुनौतियों को हल करने में कर सकता है जिन पर इस भाग में चर्चा की गई है? हाँ, ये भी सही है। क्या परियोजना आधारित अधिगम और परियोजना विधि में कोई अंतर है? नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने वीडियो में लेकर आता रहूँगा और आपके को देता रहूँगा। तो मित्रों,
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।